चंदसाना डिस्ट्रिक्ट मुरैना, सुना होगा आप लोगों ने, जिला मुरैना में सुमावली विधानसभा क्षेत्र से 4 टन का एमएलए। और जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हम लोगों की उम्मीद थी कि हमारे सीनियर लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, हमारे दादा हैं ऐसे, हम करीब 10 लोग ऐसे हैं जो 4, 5, 6 टन के एमएलए हैं। हम लोगों की उपेक्षा हुई, सीएम ने हमारे क्षेत्र की उपेक्षा की, हम लोगों ने कहा कि आपने चुनाव में जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे मुख्यमंत्री जी, उन वायदों को आप पूरा करें, वरना नाराज हो रही है जनता। मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को अनसुने किया, हमारी बात को कोई महत्व नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ये कहने में मुझे कतई संकोच नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, हमारे मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के न मुख्यमंत्री बनके सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनके रह गए। इसलिए हमारे विधायकों में असंतोष का जो व्याप्त है, आज हम यहाँ आए हैं, अपने मर्जी से आए हैं, हमें कोई ना ही लाया गया, ना ही हम किसी की कस्टडी में हैं। और जब हमने सेंट्रल रिजर्व फोर्स की कस्टडी मांगी है, हमें वो मिल जाएगी, हम भोपाल जाएंगे और हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे, हमारे पर किसी का दबाव नहीं। घूमने आए चलिए। तो बेंगलुरु से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, पहली बार ये विधायक मीडिया के सामने आए, जमकर उन्होंने अपना गुस्सा निकाला, जमकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली, तमाम इन विधायकों को लेकर कयास यहां पर लगाए जा रहे थे। और जिस तरह से इन्होंने ये आरोप यहां पर लगाया कि उनकी सुनवाई नहीं होती थी, उनको न्याय नहीं मिला है, सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि अपनी कदम हमारा हो चुका है, हम रिजाइन दे चुके हैं, अगर हमको सीआरपीएफ मिलती है तो हम बिल्कुल चले जाएं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार, बिल्कुल 100% हम तैयार हैं मैदान में जाने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए। और जनता की जो आकांक्षा थी उसको पूरा नहीं किया कमलनाथ जी की सरकार ने, इसलिए हम लोग ये त्याग पत्र देके जा रहे हैं। मैं सुरेश धाकड़ हूँ, पौरी से विधायक हूँ, 24 से, जिला मेरा शिवपुरी है। मैं 24 साल बाद पौरी में कांग्रेस का एमएलए बना हूँ। हमने किसानों से वादा किया था कि आपका हम कर्जा माफ कराएंगे, हमने गरीब बेटियों भाइयों की बेटी और भानियों के लिए शादी के लिए 51,000 रुपये देंगे, हमने कई शादी कराई, आज तक 1 रुपया हमारी बेटी भानियों को नहीं मिला। जब जब मैंने मंत्रियों को कहा कि मेरे क्षेत्र में विकास के लिए कुछ काम करें तो उन्होंने अनसुनी की। मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिला, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी योजना है सकला डैम के नाम से, 226 करोड़ की योजना मंजूर है, आप इसको स्वीकृत है, आप इसमें धन की उपलब्धता कराएं। तो उन्होंने मेरे को अनसुना किया गया, मेरे क्षेत्र में 1 रुपये का भी काम नहीं कराया गया, कमलनाथ जी के क्षेत्र में 24,000 करोड़ के काम स्वीकृत हुए। क्या एक ही जगह से सरकार चलेगी? हमारे यहाँ ग्वालियर संभाग में सारे विधायकों को अनसुना कर देखा गया, इसलिए हमने सब लोगों ने निर्णय किया। हमको कोई खरीदने वाला पैदा नहीं है, हमको कोई नहीं खरीद सकता, हम श्रीमंत महाराज साहब के लाडले थे, हमने श्रीमंत महाराज साहब ने सरकार में बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा, 26 एमएलए श्रीमंत महाराज साहब ने बनाए थे, हमको वजन ना मिल पाया, इसलिए हम सारे लोग रुष्ट होके, नहीं नहीं कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करे, हम सारे विधायकगण एकत्रित होके निर्णय लेंगे, जैसा भी निर्णय होगा उसको हम सब लोग बैठ के निर्णय करेंगे। केला छिंदवाड़ा की दम पर नहीं जीता जाता आने वाला, और चुनाव छिंदवाड़ा की दम पर नहीं जीता गया। तो एक तरफ विकास कार्य में हम लोगों को कुछ नहीं कहा, एक तरफ सुनवाई के मामले में मैं नहीं
मैं कहता हूं कि हमारे जो विधायक साथी अगर जो जयपुर में हैं, जो कांग्रेस के हैं, उनकी अंतरात्मा से आप पूछिए, वो भी दुखी है लेकिन मजबूर है, अगर उन्हें खुला छोड़ दीजिए आधे भागकर बेंगलुरु आ जाएंगे। मीडिया में वायरल हुआ मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र के सामने, मेरे सभी पूरी कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे रही थी बदनावर में। मैंने उनसे कहा कि पहली गोली सेनापति खाता है, कोई इस्तीफा देगा तो राजवर्धन सिंह देगा। उसी दिन मैंने रिजाइन करा था और मेरे क्षेत्र का मैंडेट लेके मेरा इस्तीफा है, अकेले नहीं दिया है, मेरे पास तो एक साल से परमिशन है। मुझे राहुल गांधी ने कहा न्याय करेंगे, कमलनाथ जी ने कहा न्याय करेंगे, दिग्विजय सिंह जी ने कहा न्याय करेंगे। दिग्विजय सिंह जी जहाँ तक कहा मैं उनके बेटे जैसा हूँ। कमलनाथ जी ने मुझसे कहा कमलनाथ की जबान है। द पॉइंट इज आई हैव रिटन अ लेटर टू कमलनाथ जी, उसमें मैंने एक लाइन लिखी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये अन्याय मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र की जनता के साथ हुआ है, उन मतदाताओं के साथ जिन्होंने मुझे 42,000 वोट से जलाया। और वहां पार्टी ने कहा था ये विधायक नहीं, ये मंत्री को आप वोट दे रहे हो, आप पूछ लीजिए, चेक द फाइल रिकॉर्ड्स। सो द पॉइंट इज देयर्स नो प्रॉब्लम, डोंट मेक मी मिनिस्टर, बट डोंट कमिट टू माई पीपल। माय एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज फ्रस्ट्रेटेड। या See my friend, they all are in front of you. You can talk to all of them individually. They are all free. They can say whatever they want to say. Nobody is captive. The point is, Kamalaji is a very senior person. I respect him a lot. I look up to him as a senior leader. You know, we all should. I've learned from him various things. Now he must understand on the floor of the house. चलिए तो पार्टी के प्रति साफ तौर से नाराजगी इनकी देखी जा सकती है। लगातार ये कहा जा रहा था कि बेंगलुरु में इन विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है, लेकिन आज ये पहली बार मीडिया के सामने आते हैं और पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी यहाँ पर वो दिखाते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर रुके हुए हैं। तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।